हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में वाटर को डील किए थे, वाटर के बारे में जाने थे, वाटर का अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्रिपरेशन और वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। आज हम लोग जानेंगे कि वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें H2O के कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं। तो ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं वे किस प्रकार का बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बॉन्डिंग क्या है वाटर में H2O मॉलिक्यूल्स के बीच। तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। H2O का फॉर्मूला मतलब वाटर जो है इसका फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं H2O। H2O करने का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फिर ऐसा हाइड्रोजन है दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जब हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो वह हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लायक होता है, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कैपेबल होता है। तो H2O में चूंकि हाइड्रोजन एक स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर H2O मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाएगा, समझ गए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है और यदि कोई हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो जो छोटा साइज का हो तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है तो वह तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो यहां से क्या बनेगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे देखते हैं, या मान लो H2O मॉलिक्यूल है, या फिर इसको थोड़ा और अगर दिखाएं, इधर दिखाते हैं, H2O, इसमें दो लोन पेयर्स, अब क्या होगा कि बाकी H2O के मॉलिक्यूल सब हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बनाएंगे। उसी प्रकार से यहां भी होंगे, यहां तो H रहेगा सामने, एक सेंट्रल H2O मॉलिक्यूल है और उस सेंट्रल H2O मॉलिक्यूल के अगल बगल चार और H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पढ़े हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब हाइड्रोजन के द्वारा बनता है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो उस एलिमेंट का जो लोन पेयर होता है 2p ऑर्बिटल में उसके साथ वह इंटरैक्ट करता है। यहां हाइड्रोजन पे रहेगा पार्शियल प्लस, ओ पे पार्शियल माइनस, तो यहां पार्शियल माइनस, बाकी सब पे पार्शियल प्लस। तो यही प्लस माइनस के बीच यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप करेगा, वैसे यहां भी डेवलप करेगा लोन पेयर के साथ इंटरैक्शन, वैसे यहां भी डेवलप करेगा और यहां भी डेवलप, ऐसा इस प्रकार से। इसी को आप और अच्छे से यदि दिखाओगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के जैसा तो फिर इसको ऐसे दिखाओ। ऐसे दिखा सकते हो, हाइड्रोजन को थोड़ा और इधर कर दो,
और यहाँ फिर एक H2 मॉलिक्यूल दिखाऊं और एक लोन पेयर कोई इधर लेके आऊं और यहां से दिखाऊं ऐसा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, इस प्रकार से इस सब मिलाओगे तो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। देखो देख लो, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आया है, तो वाटर में प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल चार और H2O मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है। दिस इज, यह जो है सेंट्रल H2O मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली सराउंडेड सराउंडेड बाय फोर अदर H2O मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी प्रकार से होता है कि वाटर में प्रत्येक H2O का मॉलिक्यूल चार और H2O मॉलिक्यूल से घिरा होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब जो देख रहे हो, दिस इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे इस H2O के मॉलिक्यूल के अगर चार हुए ना, वैसे सबका होगा। जैसे इसका एक इधर बना, एक इधर बनेगा, दो तीन चार, ऐसे करके बनेगा, सबका वैसे ही होगा। इसका एक बना है तो फिर एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, ऐसे प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल चार और H2O मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है थ्रू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि एट लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होता है अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग जानते हैं कि इस टेम्परेचर पे जो है वाटर बदल जाता है आइस में, पानी जम करके बर्फ में बदल जाता है। कम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो तो वाटर फ्रीज कर जाता है और वह जम करके क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। अब जब बर्फ बनेगा, बर्फ बनेगा वाटर से, तो क्या होगा कि यह जो H2O मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के चलते कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे ये हो गया H2O का एक मॉलिक्यूल, ठीक। अब यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा एक और H2O, ऐसा, फिर इधर भी जुड़ेगा, ऐसे ही जुड़ते जाओ, यहां से फिर एक और आएगा H O H, फिर यहां से भी जुड़ सकता है O H H। तो एक आप यहां से भी बना सकते हो, एक यहां से भी बना सकते हो, ऐसे यहां भी बीच में मॉलिक्यूल दिखा सकते हो O H H। तो एक ही यहां से कंबाइन कर जाएगा, एक ही यहां से कंबाइन कर जाएगा, फिर ऐसे कंबाइन कर सकता है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो देख रहे हो ये जो बच जा रहा है खाली जगह, दिस इज कॉल्ड केज। केज मतलब यह खाली जगह बन जा रहा है। तो ये जो ऐसे खाली जगह बन जाता है, जो खाली जगह यहां क्रिएट होता है, जो केज क्रिएट होता है, इस केज का क्रिएशन के चलते क्या होता है कि इस सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ग्रेटर वॉल्यूम, ज्यादा जगह घेरता है। कि लोअर टेम्परेचर पर वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है
वह इस प्रकार से होता है कि ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो, पिंजड़ा के जैसा, पिंजड़ा चारों तरफ से कैसे घेरा हुआ रहता है, बीच में खाली जगह रहता है, उसी प्रकार से देखो चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घेरा हुआ है, बीच में खाली जगह है। और जब बीच में इतना खाली जगह क्रिएट होगा, इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल से दूसरे से दूर रहेंगे, और जब मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो जगह ज्यादा घेरेंगे, मतलब वॉल्यूम इनका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब आप पानी से बर्फ बनाओगे तो उस बर्फ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा पानी के तुलना में, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यह साफ आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि जैसे एक बोतल पानी भर करके, एकदम भर करके, जरा सा भी जगह खाली नहीं छोड़ना है, पूरा एक बोतल पानी भर के आप फ्रिज में रखो और उस पानी को जमा दो, रेफ्रिजरेटर में उसको रख दो पानी को, और रेफ्रिजरेटर में काफी ज्यादा देर तक उसको छोड़ दो, इतना ज्यादा देर तक छोड़ देना है कि वह पानी जम करके बर्फ में बदल जाए। तो जब वह बर्फ बनेगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वह बॉटल फट जाएगा, बॉटल फट जाएगा। क्यों फटेगा? क्योंकि जैसे मान लो कि आप ऐसे एक बोतल पानी पूरा भर करके रखे थे, ठीक, इस प्रकार से एक बोतल पानी पूरा भर करके आप रखे, ऐसा यहां तक पूरा भरा हुआ है, ऐसे आप ऐसा वाटर है, जब यह जमेगा तो बदलेगा बर्फ में। और अभी हम लोग देखे कि आइस का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कुछ इस प्रकार से है कि बनता है केज और वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब हुआ कि पहले से वाटर जितना जगह घेर रहा था उससे कहीं ज्यादा जगह घेरेगा अब बर्फ, लेकिन ज्यादा जगह तो बोतल में है नहीं, क्या कि पानी तो तुम एकदम यहां तक भर करके रखे हो, तो जगह उसको ज्यादा चाहिए, जितना जगह वहां है नहीं, तो फाइनली क्या होगा, एक बॉटल को फाड़ देगा, फट जाएगा बॉटल, बर्फ उससे बाहर निकल जाएगा। इसीलिए बचपन में भी पढ़े होंगे साइंस में कि ठंड के दिनों में जो पाइप होता है जिसमें पानी आता जाता है, खास करके जो डिलीवरी पाइप्स होते हैं मोटर वगैरह से जो पानी हम लोग भेजते हैं, व्हाइट कलर वाला पाइप, वो सब फट जाता है ठंड के दिन में ज्यादा। क्यों? क्योंकि पाइप से यदि पूरा भर करके जा रहा है पानी तो ठीक है कि जमता तो वह नहीं है, लेकिन टेम्परेचर काफी कम रहता है तो कहीं ना कहीं वह वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं इस तरह से होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ना वहां से स्टार्ट हो जाता है। और वही वॉल्यूम जब थोड़ा थोड़ा वहां से बढ़ने लगता है तो वही जो है सो डिलीवरी को फाड़ देता है, क्योंकि पानी इसमें भर के जा रहा था, जगह है नहीं, लेकिन वही पानी अब बर्फ में बदलना शुरू हो रहा है, जिसको ज्यादा जगह चाहिए तो पाइप को तो फाड़ेगा ही, इस तरह से जो पाइप को वहां से वो फाड़ देता है, और रिजल्टेड फिर पानी जाना संभव नहीं है उससे, पाइप जब फट गया तो ऐसा। तो इन सारे फैक्ट्स को हम लोग पढ़े हैं। अब एक और पढ़े हम लोग कि बर्फ जो है पानी में तैरता है क्यों, वाटर और आइस में क्या अंतर है, वाटर आइस है तो दोनों एक ही सब्सटेंस, अंतर है कि आइस सॉलिड फॉर्म है H2O का और वाटर लिक्विड फॉर्म है। कोई भी चीज किसी पे तैर रहा है इसका मतलब कि वह उससे हल्का है, हल्का होने का मतलब कि डेंसिटी कम हुआ, और यदि कोई चीज किसी में डूब जा रहा है इसका मतलब वह भारी है, उसका डेंसिटी ज्यादा है। इन जनरल हम लोग जानते हैं कि सॉलिड का जो डेंसिटी है वह हाई होता है, लिक्विड का डेंसिटी लो होता है, हम लोग यही जानते हैं, जनरल बात यही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, तो मास तो सेम ही रहेगा H2O है तो दोनों, वॉल्यूम से हम लोग कंपेयर करते हैं, वॉल्यूम के बारे में जनरल फैक्ट जो जानते हैं कि एक लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है सॉलिड से, और जब लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चूंकि डेंसिटी वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यह जनरल बात जानते हैं। तो इस हिसाब से यहां सॉलिड जो है आइस इसका डेंसिटी होना चाहिए ज्यादा, और जो वाटर है उसका डेंसिटी होना चाहिए कम। तो यदि आइस का डेंसिटी ज्यादा होता सॉलिड होने के चलते जो पानी में डूब जाता, लेकिन पानी में डूबता नहीं है, और पानी में नहीं डूब रहा है इसका एक ही मतलब है कि बर्फ का डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम तभी होगा जब या तो मास कम हो या वॉल्यूम ज्यादा हो। तो मास तो सेम ही रहेगा, H2O वाटर भी है H2O आइस भी है, तो
मास 18 ग्राम पर मोल यहां भी और यहां भी है, तो मास सेम है, तो बचा क्या? वॉल्यूम। तो यदि आइस पानी पे तैर रहा है, मतलब यह पानी से हल्का है, मतलब पानी से डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम होने का मतलब या तो मास कम या तो वॉल्यूम ज्यादा। मास तो कम हो नहीं सकता है, तो ओवरऑल क्या ज्यादा होगा? वॉल्यूम। और आइस का वॉल्यूम ज्यादा क्यों होगा, कैसे होगा? तो अभी इधर हम फिगर से बताएं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस में, कि हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से बनता है ना वाटर में, कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से यहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और डेंसिटी घट जाएगा तो फिर यह फ्लोट करने लगेगा पानी पर, जो है सो तैरने लगेगा। तो व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, या फिर व्हाई आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, यही एक्सप्लेनेशन देंगे कि एट लोअर टेम्परेचर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट देयर इज केज लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस केज लाइक स्ट्रक्चर द वॉल्यूम ऑफ दिस सब्सटेंस इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज, एंड सिंस आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। नोट्स में लिखा हुआ है सारा चीज, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी काफी क्लियर। इसमें तीन चार फैक्ट हम बताए कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। फिर बताए कि जब यही वाटर लोअर टेम्परेचर पे चला जाता है तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बदल जाता है। उसके बाद फिर बताए कि आइस जो बना उसका वॉल्यूम बढ़ा कैसे, डेंसिटी घटा कैसे, या ओवरऑल किया वाटर पे तैरा क्यों। अब जब आप बर्फ को पिघलाओगे ना, बर्फ को पिघला के पानी बनाओगे, तो पिघलाने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि यह कुछ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और जब कुछ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाएंगे, और जब नजदीक आ जाएंगे तो पहले से कम जगह घेरेंगे, मतलब वॉल्यूम घट जाएगा, और जब वॉल्यूम घट जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसलिए वाटर का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, अधिक होता है। तो समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था, कई सारे फैक्ट्स इसमें हम लोग पढ़े जो पहले से सुनते तो आ रहे थे, लेकिन उसके बारे में कम्प्लीटली हम लोग जान नहीं पा रहे थे कि आखिर ये चीज़ें होता कैसे है। अब जो है वाटर का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वाटर जिससे कि हम लोग घिरे हुए हैं, जिसके बगैर एक लिविंग बीइंग के सर्वाइवल का सोच नहीं सकते हैं, और क्यों वाटर जरूरी है एक लिविंग बॉडी के लिए वह भी हम बतला दिए। वाटर का प्रॉपर्टी जानना इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सबसे पहला कि वाटर इज या कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। पानी का ना तो कोई कलर है, रंगहीन है, ना तो कोई स्वाद है, स्वादहीन है, ना तो कोई ऑर्डर है, मतलब गंधहीन है। वाटर ना तो कोई स्पेसिफिक कलर का है, ना तो कोई स्वाद है, ना ही इसका कोई गंध है, स्मेल है। तो वाटर समझ गए, एक लिक्विड है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे,
और लिक्विड में भी इसका प्रॉपर्टी क्या बताया, कलरलेस, टेस्टलेस और ऑडरलेस। उसके बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। यदि प्योर वाटर हो, फ्रेश वाटर, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, आइस, वाटर, वाटर वेपर, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर, 0 से कम रहा आइस, 100 से ज्यादा रहा तो वाटर वेपर। तो वाटर इन द लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करेगा किस टेम्परेचर रेंज पे, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच। इस टेम्परेचर रेंज तक या एक लिक्विड है, इससे कम रहा तो या सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा आइस, और इससे ज्यादा रहा तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वाटर वेपर। तो या बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाला बात को जो है ध्यान में रखोगे। उसके बाद वाटर के डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी चूंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, तो मास तो वैरी नहीं करता है टेम्परेचर से, लेकिन वॉल्यूम तो चेंज कर सकता है। तो वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, और वह डेंसिटी जानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी होता है मैक्सिमम, और वह डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का मतलब हम क्या बताएं, मास बटे वॉल्यूम, तो ये ऐसे है 1 ग्राम और यहां 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हुआ ना कि वाटर का 1 ग्राम कितना जगह घेरता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का रहा, 1 सेंटीमीटर का हाइट रहा, और 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ रहा, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो 1 ग्राम वाटर लोगे तो वह 1 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरेगा, तो इसका डेंसिटी हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यह जगह ज्यादा घेरेगा, 1 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा, और जब जगह ज्यादा घेरेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट जाएगा। तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग लेते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा तो यह वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाना है। उसके बाद तो फिर हम लोग देखेंगे कि H2O जो है, इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है ज्यादा है। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होता है, या अधिक बॉइलिंग पॉइंट के रेंज में आता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट के रेंज में तो वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा H2O मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है इस प्रकार से, तो हम लोग देखे ही ऐसे कई H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, और जब ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही जाएगा तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे। और चूंकि यहाँ या जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन लिक्विड,
लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच जितने भी प्रकार का बॉन्ड बनता है या जितने भी प्रकार के फोर्स ऑपरेट होते हैं किसमें, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच, तो उन सारे फोर्स में जो सबसे मजबूत फोर्स होता है वह कौन सा फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो चूंकि वाटर मॉलिक्यूल एक मजबूत फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उससे जुड़े हुए हैं, तो जब इस लिक्विड को बॉइल करोगे तो फोर्स को तोड़ना होगा, और चूंकि फोर्स मजबूत है तो तोड़ने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, और जब एनर्जी ज्यादा लगेगा इसका मतलब हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं वाटर का प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का डायपोल मोमेंट 1.82 डिवाइड, कहीं कहीं 1.84 भी लिखता है। एन्थैल्पी ऑफ फ्यूजन 273 केल्विन, मतलब आइस का एन्थैल्पी ऑफ फ्यूजन है 6.01 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल आइस को वाटर में बदलना है तो इतना एनर्जी लगेगा। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 373 केल्विन पर 40.66 किलो जूल पर मोल, मतलब ऐसे समझ लो इसको कि आइस है इससे वाटर बनाना है, ये लगेगा 6.10 किलो जूल एनर्जी, और ये वाटर से वाटर वेपर बनाना है इसमें लगेगा 40.6 किलो जूल एनर्जी। तो यह है कन्वर्जन। तो यह स्टैंडर्ड एन्थैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब समझ गए ना कि आइस को वाटर में बदलना है तो इतना एनर्जी लगेगा, वहीं वाटर को वाटर वेपर में बदलना है तो कहलाएगा एन्थैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सारे थर्मोडायनेमिक्स के टर्म है, तो यहां फिर इतना एनर्जी लगेगा। उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम में पढ़े हो इसके बारे में, आयनिक प्रोडक्ट 1.008 × 10⁻¹⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का आयनिक प्रोडक्ट आने का मतलब ऐसा कि वाटर के जो आयन्स हैं H+ OH-, इन दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, मतलब इस केस में हम लोग पढ़े इक्विलिब्रियम में कि H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन लगभग बराबर ही होता है 10⁻¹ मोल पर लीटर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁷ × 10⁻⁷, तो ओवरऑल आ जाएगा 10⁻¹⁴ आ जाना है। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की बात करेंगे, तो जो डायरेक्ट्री कांस्टेंट है वाटर का वह होता है 78.4। व्हाट इज डायरेक्ट्री कांस्टेंट, तो एबिलिटी टू ब्रेक बॉन्ड ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने का जो एबिलिटी है वही डायरेक्ट्री कांस्टेंट कहलाता है। और डायरेक्ट्री कांस्टेंट भी समझ के चलना है कि ओवरऑल यह भी एक प्रकार का क्या है, फोर्स है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रकार का फोर्स हुआ वाटर का, या जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या बहुत हाई है रूम टेम्परेचर पे, या वैल्यू है 78.4। तो यह जो इतना हाई वैल्यू है वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, यह बता रहा है कि वाटर में एबिलिटी है किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने में, और यही रीजन है कि वाटर जो है मैक्सिमम कंपाउंड को अपने में डिजॉल्व कर पाता है, क्योंकि वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो आप कोई आयनिक कंपाउंड लोगे फिर भी आयनिक कंपाउंड में जो मजबूत आयनिक बॉन्ड होता है उसको आसानी से तोड़ देगा, हैं कोई और भी पोलर मॉलिक्यूल लोगे तो उसको भी आसानी से डिजॉल्व कर देगा। तो यह सारा पॉसिबल है वाटर का हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के चलते। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, प्योर वाटर
नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, बहुत कम कंडक्टिविटी है इसका। कंडक्टिविटी जो इसका होता है 5.7 × 10⁻¹⁸ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, 10⁻¹⁸, समझ रहे हो, बहुत कम कंडक्टिविटी है। ओरिजिन है कि प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में क्या है कि उसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना तो फ्री आयंस है, मतलब कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल हो उसमें, समझे बात को। तो प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज कैरियर इन इट, कोई चार्ज कैरियर नहीं है प्योर वाटर में, ना तो कोई आयंस है फ्री, ना ही उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इसी के चलते जो है यह इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। उसके बाद एक लास्ट इसका विस्कोसिटी, वाटर का विस्कोसिटी, बहुत विस्कस लिक्विड नहीं है वाटर। विस्कोसिटी पढ़े हो स्ट्रेटोपैटर्न में, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, तो वाटर का ये बोल रहा है कि होता है 0.89 सेंटीपॉइज, कम डेंसिटी है वाटर, बहुत विस्कस लिक्विड नहीं है वाटर। पानी गिरा के आप छोड़ देते हो तो देखते हो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है वहां, तो वाटर का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, और वह इसके विस्कोसिटी वैल्यू से जो है पता चल रहा है। तो ये सभी थे वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज। कई इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि H2O का एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना, वेपोराइजेशन कितना, डाइपोल मोमेंट क्या, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, विस्कोसिटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, तो इस सारे वैल्यू को याद रख लेना। और इसका मतलब क्या है वो तो हम मतलब समझा दिए कि ये सारे टर्म्स क्या है, नोट्स में भी सारा मेंशन है, रटोगे और बात को अच्छे से समझ लोगे, चूंकि सारे पढ़े हुए टर्म्स हैं। डायपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े, ये दोनों थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े, आयनिक प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में पढ़े, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़े, कंडक्टिविटी आगे पढ़ोगे या थोड़ा बहुत इसके बारे में बॉन्डिंग चैप्टर में देखे, तो सारे पढ़े हुए टर्म्स हैं, रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।